ओलांकार श्री राजीव राय भटनागर जी। जेके बोस चेयरपर्सन, मनीषा सरीन जी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, तसद्दुक हुसैन साहब जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी का, सभागार में उपस्थित सभी शिक्षाविद, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स, वर्चुअल मोड में जुड़े हुए सभी साथी, देवियों, सज्जनों और विशेष रूप से विद्यार्थी बहनों और भाइयों, आज शिक्षक दिवस की टीचर्स डे की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। याद है जब 2 वर्ष पहले मैं आया था, अगस्त महीने में कार्यभार ग्रहण किया था 7 तारीख, उस समय चीफ सेक्रेटरी होते थे मिस्टर सुब्रमण्यम। 3 सितंबर को उनसे मैंने कहा कि टीचर्स डे का फंक्शन कहाँ है, उन्होंने मुझसे कहा साहब होता नहीं है। तो राजभवन के एक छोटे से कमरे में वो कार्यक्रम किया गया। गत वर्ष से और इस वर्ष व्यापक रूप से ये कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में होने लगा है। सबसे पहले पिछले साल ही हमने बेस्ट टीचर्स अवार्ड शुरू किए। इस खिताब से नवाजे गए सभी शिक्षकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और बाकी शिक्षकों से कहना चाहता हूँ कि पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने अच्छा काम नहीं किया है, ये चूंकि 10 ही लोगों को पुरस्कार देना था, मैं जानता हूं कि इससे भी ज्यादा लोग हैं जो योग्य हैं, जिन्होंने पूरी लगन से विद्यार्थियों के भविष्य को बढ़ने में समर्पित भाव से काम किया है, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। अभी प्रदर्शनी मैंने देखी, डीपीएस श्रीनगर के कुछ बच्चे थे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, जम्मू कश्मीर की पूरी संस्कृति को उन्होंने उकेरा था। ठीक कहा जो बच्चों ने भी राष्ट्रगान हमारे सामने गाया, तो बच्चियां कार्यक्रम का संचालन कर, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक विद्यार्थी यहां उपस्थित हैं और ऑनलाइन भी अनेक टीचर्स स्टूडेंट्स जुड़े हुए, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामना देता हूं। ये सच है, भटनागर साहब ने सही कहा कि 2 वर्षों में से मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर के लिए मैं मानता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। बीके सिंह जो हमारे प्रमुख सचिव थे आज नहीं है, मैं उनको भी स्मरण करूंगा। अनेक नई योजनाएं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रारंभ की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप करिकुलम में, सिलेबस में परिवर्तन भी किया गया है। टीचर्स स्टूडेंट्स की मेंटरिंग पर भी फोकस करने का काम किया है और मैं कहूं कि बड़ी शिद्दत से काम प्रारंभ हुआ है ताकि भविष्य के नागरिक हम पढ़ सकें। मैं समझता हूं कि आज टीचर्स डे का दिन ये सोचने का अवसर है कि स्कूल एजुकेशन द्वारा हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या वह उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है, क्या वह कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो पूरे जीवन
उनके साथ रहेगा। एक बड़ी सामान्य सी बात है कि जब कोई बच्चा या बच्ची क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ में दाखिला लेता है तो मुझे लगता है कि उनमें चार पांच विशेष गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं। उनके अंदर एक खास तरह की जिज्ञासा होती है, वो हर चीज को जांचना और परखना चाहते हैं, वो निर्भय यानी बोल्ड भी होते हैं, उनके अंदर साहस होता है और क्रिएटिविटी भी होती है। उन्हें खतरा उठाने में, रिस्क लेने में किसी तरह का कोई संकोच हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और हायर सेकेंडरी में पहुंचता है, क्लास टेंथ में, तो आपने महसूस किया होगा, मैं शिक्षकों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, प्रिंसिपल से, कि आपने महसूस किया होगा कि ये जो चारों क्वालिटीज का मैंने जिक्र किया है, धीरे धीरे वो कम होने लगती है। और लगभग 80% से ज्यादा बच्चों की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। ढेर सारे बच्चों में विषय वस्तु को जांचने परखने की आदत खत्म हो जाती है। क्रिएटिविटी की जगह उनका विश्वास रूटीन की चीजें करने में ज्यादा हो जाता है और रिस्क लेने के बारे में तो वो सोचता ही नहीं। मित्रों, आज अगर हम इन बातों पर विचार करें तो बड़ा आश्चर्य होता है, जीवन जीने, समाज तथा राष्ट्र निर्माण के लिए किसी भी मनुष्य में, किसी भी इंसान में जिन क्वालिटीज का होना आवश्यक है, वह 10 साल के बच्चे में तो है, 9 साल के बच्चे में तो है। लेकिन आज ये प्रश्न हम सबके मन में जरूर उठ रहा होगा, जब वो बच्चा 16 साल 15 साल का हो जा रहा है तो ये क्वालिटी धीरे धीरे क्यों कम हो रही और कुछ में तो समाप्त हो जाएगी। स्कूल में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जो क्वालिटीज को निखारने के बजाय कुछ और ही कर रहा है? क्वालिटी लर्निंग के पश्चात क्यों कम हो रही है? आज जम्मू कश्मीर और देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी इस बात पर बड़ी बहस हो रही है कि स्कूल एजुकेशन बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है या हम एक ऐसे मैकेनिकल व्यवस्था में फंस गए हैं जहां बच्चों के अंदर की अमूल्य संपदा गंवा कर हम सिर्फ किताबों की मेमोरी, स्मृति और परीक्षाओं के नंबर प्राप्त करने में लगे हैं। कुछ साल पहले स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी कि भारतवर्ष ही नहीं दुनिया के अन्य बड़े देशों में अनलर्निंग के लिए स्कूल शुरू किए गए और पैसे देकर बच्चे ये सीखने लगे हैं कि उन्हें क्या नहीं सीखना है। ये स्थिति अच्छी नहीं और ये सोचने का सही वक्त आ गया है। गंभीर विषय, गंभीर विचार का ये विषय बन गया है, हम इस स्थिति में कैसे पहुंच गए। देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षक, वृत्तचित्र हमने अभी देखा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म जयंती को ही हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा का मतलब विजडम, प्रेम, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी है। लेकिन चार गुणों को त्याग कर शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे कंपटीशन आधारित होती है। दिल्ली के एक शायर थे महमूद दहलवी साहब, वो कहते थे कि मोहब्बत वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। लव इज ए सॉन्ग विच कैनॉट बी संग ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट। शिक्षा भी एक मोहब्बत है, हर एक क्लास में बच्चे सीख रहे हैं ऐसा नहीं है। शिक्षा सिर्फ उदार प्रेम तथा क्यूरियोसिटी भरे हृदय से सीखी और सिखाई जा सकती है। इसका एक दूसरा पहलू भी,
हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपरा में शिक्षक से बड़ा स्थान किसी का नहीं, शिक्षक से बड़ा कोई नहीं। और हमारे यहां तो भगवान के ऊपर गुरु को रखा गया है। और कबीरदास ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े आपको लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बता, गोविंद दियो बता। अभी एक श्लोक आपने इस वृत्त चित्र में देखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरु हे नमः। भगवान के ऊपर रखा गया, ये सोचने की बात है ऐसा क्यों है। और उसका जवाब बहुत सीधा, क्योंकि शिक्षक ही समाज को निर्मित कर सकता है। एकमात्र शिक्षक के अंदर ही व्यक्तित्व निर्माण करने की ताकत है। एकमात्र शिक्षक ही नए विचारों को जन्म दे सकता है। यहां तक कि शिक्षक ही राष्ट्र के नवनिर्माण की नींव भी डालता है। और इसलिए शिक्षकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब अभिभावक अपने बच्चों को आपके स्कूल में आपके विद्यालय में भेजता है, बड़ा भरोसा करके भेजता है, अगर वो भरोसा टूटा तो ये जो आपकी प्रतिष्ठा है समाज की, इस प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। हमारे समाज में पिता और अध्यापक ये दो का स्थान सर्वोपरि है। और दोनों के बारे में कहा जाता है हर पिता हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बेहतर करे जीवन। और वही शिक्षक है वही गुरु है जो अपने विद्यार्थी को चाहता है कि मुझसे बेहतर बने। मैं समझता हूं कि स्थान विद्यार्थी नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बड़ा स्पष्ट संदेश था, शिक्षक वो नहीं होते जो छात्रों को ज्ञान दें, बल्कि सही मायने में शिक्षक वो होते हैं जो छात्रों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करें। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आजादी के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था ने टीचर्स को भी किसी फैक्ट्री के मैनेजर की तरह बनने को मजबूर किया। और एक बने बनाए ढांचे या सांचे में हम दशकों तक इन बच्चों को वही चीजें सिखाते रहे जो उसे जिज्ञासु बनाने से रोकती है, जो उसके अंदर की क्रिएटिविटी को जागृत ही नहीं होने देती है। मैं मानता हूं इसमें टीचर या स्टूडेंट्स किसी का दोष नहीं है, दोष व्यवस्था का है। और दरअसल इतने सालों में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, कई लोग कहते हैं मैं काले की शिक्षा व्यवस्था हमने तैयार की, जिसमें सफलता और सफलता एक लंबी लाइन खींच दी गई इसकी, क्रिएटिविटी और रिस्क लेने वाले स्टूडेंट्स और एक्सपेरिमेंट करने वाले टीचर्स के स्पेस को ही कम कर दिया गया, या मैं मानता हूं समाप्त कर दिया गया। हिंदी में दो शब्द हैं मित्रों, सफल और सुफल। इन दोनों शब्दों के बीच एक बड़ा बारीक अंतर है। सफल का मतलब सक्सेसफुल और सुफल गुड वर्क, अच्छा काम। भारतवर्ष में सदियों से एजुकेशन में सिर्फ सुफल शब्द का प्रयोग हुआ है, सफल का प्रयोग नहीं हुआ है। और हम सुफल की बजाय सफल पर ज्यादा ध्यान देने लगे, अच्छा काम करना, अच्छे एक्सपेरिमेंट करना। लेकिन धीरे धीरे एक सांचे की वजह से स्कूलों में मैंने कहा सुफल शब्द का चलन ही समाप्त हो गया। आज आजादी के अमृत कालखंड में हम सब हैं। 75 वर्षों में देश ने प्रगति के पथ पर एक लंबा फासला तय किया है। दुनिया के वे देश जिनका वर्चस्व है दुनिया पर, जहां नॉलेज इकोनॉमी बड़ी है, उन्हीं देशों का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। अब ये वक्त है हमारे लिए कि जब हम देश की आजादी के 100वें वर्ष को मनाने 2047 में, तो दुनिया में नॉलेज इकोनॉमी के मामले में भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश बन सकें। कि आज के दिन हम सभी लोग इस बात का संकल्प ले सकते हैं, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आप सबको मालूम है अभी चर्चा भी हुई, और जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था तो अनेक बच्चों ने भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया। मिशन
ये स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की यात्रा में कक्षा पांच के बच्चों के अंदर पाई जाने वाली क्वालिटी को जीवित रखने, उसे नर्चर करने और उसे अधिक मजबूत बनाने पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही रीडिफाइन किया है। एक तरफ जहां एजुकेशन सिस्टम में पारंपरिक मूल्य, हमारी संस्कृति, मातृभाषा, लोकल स्किल सेट और स्वतंत्र विचारों को तरजीह दी गई है, वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में एक बार फिर से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को पुनर्स्थापित किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे, ज्ञान हमें शक्ति देता है, ग्रेड हमें परिपूर्णता देता है और इसलिए शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्तित्व बनाने का ही होना चाहिए। और उसी भावना के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने टीचर के सम्मान को भी पुनर्स्थापित किया है। एक बार फिर से टीचर्स और आवाम के बीच वही संबंध स्थापित हो जो सदियों पहले हुआ करता था, इसकी कोशिश करने की आवश्यकता है। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन से जब पूछा गया कि ये नीति कौन सी दो महत्वपूर्ण चीजें ऑफर करती है, तो उन्होंने कहा था कि नई शिक्षा नीति बच्चों को वह सीखने में मदद करती है, उन्हें क्या और कैसे सीखना, जो वो सीखना नहीं चाहते वो उन्हें सिखाया जाए, इस परंपरा से, इस लीक से हमें हटना होगा। दूसरा, ये समाज में टीचर्स के सम्मान को रिस्टोर करती है। मैं समझता हूं ये बड़ा स्टेटमेंट है और आज स्कूलों में टीचर्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। फैक्ट्री की जगह उस स्कूल के कैंपस को फिर से विद्यालय बनाया जाए, जहां क्यूरियोसिटी हो, जहां किताबों को रटने की बजाय क्रिएटिविटी पर फोकस किया जाए, जहां सिर्फ सफल नहीं, सक्सेसफुल नहीं, सुफल स्टूडेंट्स पुरस्कृत किए जाए, उनमें ये भावना जागृत की। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सक्सेस को रीडिफाइन किया है और जिस दिन टीचर्स की मदद से इस व्यवस्था हम सभी स्कूल कैंपसेस में क्रियान्वित कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उस दिन एजुकेशन सिस्टम का वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाएंगे। आज जम्मू कश्मीर के 28,805 स्कूलों में 27,18,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़े, इसके लिए आओ स्कूल चलें एक कैंपेन तलाश सर्वे के माध्यम से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष की तुलना में इनरोलमेंट में 14.4% की वृद्धि सरकारी विद्यालयों में हुई। दूसरी तरफ क्लासरूम से अलग हटकर टीचर्स स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए मेंटरशिप का कार्यक्रम तथा गर्ल्स एजुकेशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जा रहा है। मात्र एक साल के अंदर बच्चियों के लिए 14 हॉस्टल बनाए जा चुके हैं। समाज के जो वंचित वर्ग के बच्चे, उन तक भी शिक्षा का उजाला पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हाई स्कूल में ही मॉडर्न स्किल्स की ट्रेनिंग, नीट की तैयारी के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एडेड लर्निंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। 70,000 बच्चियां 14 अलग अलग स्ट्रेट्स में वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे और अपर प्राइमरी स्कूल में 1420 कंप्यूटर एडेड लर्निंग सेंटर्स बच्चों में स्वतंत्र चिंतन को प्रमोट कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब पर भी विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत सरकार ने 500 अटल टिंकरिंग लैब हमें स्वीकृत की है और जैसे पूरा हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वित्तीय वर्ष में उस काम को हम पूरा कर लेंगे,
तो 500 अटल टिंकरिंग लैब अगले साल फिर हम बनाएंगे। इन सभी व्यवस्थाओं का एक ही उद्देश्य है, हर स्टूडेंट की एबिलिटी के अनुसार उसकी इंडिविजुअलिटी की ग्रोथ के लिए भी सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है और एक दूसरे से कंपैरिजन करने के बजाय हर एक स्टूडेंट को अवसर मिले इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। स्कूल एजुकेशन की खूबी यही है कि हर एक स्टूडेंट की अद्वितीय प्रतिभा को निखारने और निखरने का अवसर उसे मिले, ये व्यवस्था हमें निर्मित करने की आवश्यकता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जब भी स्टूडेंट से मिलते थे तो सब उनसे एक सवाल जरूर पूछते थे कि आपकी बच्चे उनसे सवाल पूछते थे, आपकी रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा कैसे पूरी। और कलाम साहब का स्टेटमेंट मैं उद्धृत करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जब वो स्पेस डिपार्टमेंट में काम करने गए तब उनके गुरु प्रोफेसर सतीश धवन ने कहा कि तुम्हारे पास सब संसाधन है, फंड है, और अगर तुम कुछ नहीं करना चाहोगे तो भी जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी और जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहोगे तो तुम्हारे सामने तमाम चुनौतियां आएंगी, लेकिन कभी भी उन चुनौतियों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि तुम खुद इन चुनौतियों के ऊपर हावी होना। मैं इस सभागार में उपस्थित और ऑनलाइन जुड़े सभी प्रिय विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपके सफर में भी तमाम चुनौतियां आएंगी, लेकिन डॉक्टर कलाम की ये बात बराबर ध्यान रखिएगा कि आप जितना सीखते हैं क्रिएटिविटी को उतना ही खेलने का अवसर मिलता है, और जब क्रिएटिविटी खेलती है तो अपने आप नई जिज्ञासाएं, नए एक्सपेरिमेंट का अवसर मिलता है। इस साल जून में पूरे विश्व में एक टीनेजर केविन कूपर की बड़ी चर्चा हुई। 14 साल की उम्र में उस बच्चे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की और उसमें उसने लिखा कि जब वो 10 साल का था तभी उसने सोच लिया था वो इरिगेशन के नए तरीके ढूंढेगा ताकि डेजर्ट फार्मिंग को हकीकत में बदला जा सके। 10 साल की उम्र में ही उसने इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया। इनोवेटिव बिजनेस एक काज उसका पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना है। केविन कूपर की कहानी इस बात को साबित करती है कि आपके नैतिक मूल्य, नए फ्रंटियर की खोज की ललक समाज एवं राष्ट्र को भी समृद्ध बना सकती है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे समय में आई है जब आप विद्यार्थी हैं, जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था जब अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया मेरे टीचर ने मुझे a+b² = a² + b² + 2ab मुझे याद हो गया था, जीवन में आज भी याद है, लेकिन मैं जान नहीं पाया कि होता क्या है। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में पढ़ने गया तब मैं समझ सका। मैं आपको खुशकिस्मत मानता हूँ कि आप जब विद्यार्थी हैं, आप जब स्कूल में ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है अपने अंदर की जिज्ञासा को बच्चों तीव्र करने की आवश्यकता है। किताबों में नहीं बल्कि अपने जीवन में सत्य को खोजने की आवश्यकता है। आपकी ग्रोथ उतनी ही टेरिफिक होगी, साइंटिफिक होगी, जितना आप सोच सकेंगे, जितनी आप जिज्ञासा जगा सकेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। एक बार पुनः मैं सभी टीचर्स तथा स्टूडेंट्स को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। निजी विद्यालयों के भी ढेर सारे प्रबंधक और प्रिंसिपल्स आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ
और अंत में दो बात करके खत्म, एक बात करके खत्म करूंगा। मित्रों, पिछले दिनों कुछ शिक्षकों, निर्दोष शिक्षकों की हत्या करने का काम कुछ लोगों ने किया है। इससे घिनौना काम कुछ हो नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, समाज को भी इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। बहुत खून बह चुका है जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों का। अगर हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम निंदा तो जरूर कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो लोग बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, घर परिवार छोड़ करके बच्चों का जीवन बदल रहे हैं, ऐसे लोगों को बंदूक का निशाना बनाया जाए, कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। और इससे बड़ा पाप मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ आप सभी अध्यापकों से, समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, कैसे कुकृतियों की निंदा करना यह हर नागरिक का दायित्व है, और इसमें भी आप आगे हमें। एक बात और हम सब ने तय की है कि एक दो दिनों बाद स्कूली शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। आप सबको मालूम है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। बापू के हृदय के करीब दो चीजें थी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हमने तय किया है कि इस बार हर स्कूल में, हर कॉलेज में ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर डिबेट, एसे राइटिंग, तमाम कंपटीशन, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका प्रोग्राम आप तक लेकर के पहुंचेगा, विस्तृत रूप से बताएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक हमें करने की जरूरत है, और 2 अक्टूबर को पुरस्कृत हुए बच्चों और सबको श्रीनगर में बुलाकर देश के प्रख्यात गांधीवादी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, ताकि सत्य और अहिंसा केवल भाषण में नहीं, आचार और व्यवहार में भी आ सके। इतनी बात करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।